पर आठ बैकुंठ हैं, चार उत्तर भारत में और चार दक्षिण भारत में। श्री मुक्ति नारायण धाम, श्री बद्री नारायण, पुष्कर और नैविसारण्य, ये चार उत्तर भारत में, श्री रंगम, श्री तृप्ति बालाजी और श्री मुष्टम, ये चार दक्षिण भारत में। विशेष रूप से इस मंदिर का नाम श्री मुक्ति नारायण धाम है। इस मंदिर का नाम श्री मुक्ति नारायण धाम क्यों पड़ा? श्री दादा गुरु 1008 श्री स्वामी रामाचार्य जी महाराज आज से 60 साल पहले श्री मुक्ति नारायण भगवान की यात्रा पर, जो हिमालय पर्वत के ऊपर दामोदर कुंड से गंडकी नदी निकलती है, वहीं से भगवान मुक्ति नारायण को विशेष रूप से वहां के जो कार्यकर्ता और जो वहाँ के विशेष प्रधान थे, पुजारी लोग, लामा बोलते थे उनको, उन्हीं से सभी से शास्त्रार्थ करके और भगवान के मंदिर से ही मुक्ति नारायण के स्वरूप को लेकर के आए थे। भगवान का ये स्वरूप 60 सालों से इसी मंदिर के अंदर विराजमान है। ये मंदिर एक छोटा सा मंदिर होता था शहर के अंदर। 30 साल तक दादा गुरुजियों ने इनकी खूब सेवा की और उसके बाद में उनके शिष्य श्री स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज, जो मेरे गुरु हैं, उन्हीं ने भगवान मुक्ति नारायण की बड़ी श्रद्धा से 40-50 साल तक खूब सेवा की और उसी भक्ति की बदौलत ये जो आप जिस मंदिर के अंदर मुक्ति नारायण धाम के अंदर बैठे हुए हैं, वही मंदिर स्वामी जियों ने सभी भक्तों की सहमति से श्री मुक्ति नारायण धाम ट्रस्ट के साथ आशीर्वाद देकर के ये मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर के अंदर जो भगवान तिरुपति बालाजी, जो आंध्र प्रदेश में भू बैकुंठ है, वहीं से ये दिव्य विग्रह आया।
विशेष रूप से कई भक्तों की इसके अंदर भूमिका रही। श्री रामाचार्य जी महाराज दिव्य विद्वान थे। एक समय में ये दक्षिण भारत में भगवान के दर्शन के लिए गए थे और वहाँ पर दक्षिण भारत के तिरुपति बालाजी मंदिर में किसी भी उत्तर भारत के महात्मा को बोलने की अनुमति नहीं थी। वहाँ का जो डीसी था वो स्वामी जियों का शिष्य था। उनके कहने से 2 मिनट का समय स्वामी जी को मिला और इतना, क्योंकि इनने बोलना था शून्य के ऊपर, ब्रह्मांड के शून्य के ऊपर, शून्य के ऊपर 2 मिनट में ऐसा बोले ये तो 20 मिनट तक धारा प्रवाह बोलते रहे। सभी कहने लगे नहीं यही बोलेंगे यही बोलेंगे। और 7 दिन का वो सम्मेलन था, उसमें हर रोज समय जो मिलता रहा तो रोज समय बढ़ता गया और लास्ट में इनको 2 घंटे समय मिला। और उसी कारण से तिरुपति बालाजी ट्रस्ट ने भगवान तिरुपति बालाजी का ये विग्रह जो यहाँ पर विराजमान है निःशुल्क, कोई भी बिना शुल्क के, वो मंदिर ट्रस्ट की इच्छा के ऊपर ही कुछ पर्ची कटाई गई थी और ये विग्रह यहाँ पर आया। जब ये विग्रह आया तो इसकी प्रतिष्ठा निश्चित थी और विग्रह आने में इतना समय लग गया जिससे 10 दिन विग्रह लेट आया और 1 साल तक विग्रह यहीं रहे। और 2009 फाल्गुन शुक्ला पंचमी अश्वनी नक्षत्र में इनकी प्रतिष्ठा हुई। भगवान का भू वैकुंठ तोताद्री जो दक्षिण भारत में है और उसी के हमारे दादा गुरुजी शिष्य हैं, वहाँ से माम मामलई जियर स्वामी जी 21 आदमियों के साथ में इस दिव्य मंदिर की प्रतिष्ठा उन्हीं के हाथों से हुई और भगवान का उसी दिन से ये ब्रह्म उत्सव चल रहा है। यानी भगवान का प्रतिष्ठा का जो दिन है, भगवान का जो जन्मदिन का दिन है, उसी के उपलक्ष में हर साल ये ब्रह्म उत्सव मनाया जाता है। ब्रह्म उत्सव यानी ब्रह्म भगवान, भगवान का उत्सव। दूसरा, वर्मा जी ने सबसे पहले ये उत्सव किया इसलिए ब्रह्म उत्सव, वर्मा जी के द्वारा किया गया भगवान का उत्सव ब्रह्म उत्सव। और यही ब्रह्म उत्सव हम हर साल से मनाते आ रहे हैं। ब्रह्म उत्सव के अंदर 5 रात्र के अनुसार भगवान की सेवा पूजा अर्चना होती है। 5 रात्र यानी शरीर के अंदर 5 तत्व हैं। 5 तत्वों की पूर्ति ही इस 5 रात्र से होती है, अग्नि वायु जल आकाश और धरती। हमारे इस परंपरा के अंदर जिसको श्री संप्रदाय कहते हैं, रामानुज संप्रदाय कहते हैं, इसके अंदर 5 संस्कार होते हैं। सबसे पहला संस्कार तप्त शंख चक्कर लगाए जाते हैं, तिलक किया जाता है, उसका नाम रखा जाता है और भगवान की शरणागति कराई जाती है और कान में मंत्र फूंका जाता है। यही 5 संस्कार हैं और ये 5 संस्कारों का मतलब ही इन 5 तत्वों से ही है, जो 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर हैं। और 5 रात्र का मतलब भी इन्हीं शरीर के 5 तत्वों से है। तो हम हर साल दक्षिण भारत से दिव्य विद्वानों को बुला करके भगवान का 5 रात्र विधि के अनुसार ही ये ब्रह्म उत्सव मनाते हैं। ब्रह्म उत्सव के अंदर भगवान की सबसे पहले बीजारोपण, मृतिका ग्रहण, गरुड़ पूजन, सोम पूजन, वास्तु पूजन आदि ये सभी कृत्य होते हैं। और दूसरे दिन में भगवान गरुड़ की ध्वजा
रोपण होती है भगवान गरुड़ जी के स्तंभ के ऊपर, भगवान की वो ध्वजा विराजमान है इस समय में भी। और उसके बाद में मंडप प्रवेश होता है, मंडप में अग्नि प्रज्वलित की जाती है अरणि मंथन के द्वारा, और भगवान का हर रोज सुबह और शाम दोनों समय हवन चलता है, दिव्य प्रसाद बांटे जाते हैं, हर रोज भंडारा भी लगता है। और विशेष रूप से अश्विनी नक्षत्र के दिन भगवान का विशेष शोभा यात्रा होती है। सुबह के समय दक्षिण भारत के अनुसार इसको शोभा यात्रा कहते हैं और हमारे अनुसार इसको बारात भी कहते हैं। यहाँ के अनुसार रथ यात्रा बारात ऐसा यहाँ का शब्द बोला जाता है पंजाब के अनुसार। और शाम के समय भगवान का कल्याण उत्सव दक्षिण भारत के अनुसार, और उत्तर भारत के अनुसार भगवान का विवाह भूदेवी नीला देवी के साथ में अभी संपन्न होगा। विशेष रूप से भगवान का दिव्य अभिषेक जो दूध दही सैत खांड गंगाजल हल्दी चंदन और विशेष रूप से बादाम तेल और तिली के तेल से भी विशेष रूप से ये होता है। इसके अंदर भगवान की सहस्र धारा होती है और शंख चक्र के साथ भगवान के ऊपर सेवा होती है, धारा बांधी जाती है। इसके अंदर दिव्य प्रबंध पाठ होते हैं श्री सूक्त और पुरुष सूक्त से ही विशेष रूप से ये भगवान का त्रिमंजन होता है। और ये महात्रिमंजन, त्रिमंजन ये दक्षिण भारत का शब्द है और अभिषेक उत्तर भारत का शब्द है। त्रिमंजन, त्रिमंजन का मतलब तीन प्रकार का स्नान, यानी पंचामृत का स्नान, चंदन हल्दी का स्नान और भगवान को तेल मर्दन के द्वारा स्नान, इन्हीं तीन चीजों से किया हुआ स्नान को त्रिमंजन कहते हैं। जहां जहां भी भगवान के ये श्री रंगनाथ भगवान, श्री बद्री नारायण भगवान, श्री मुक्ति नारायण भगवान, श्री पुष्कर, श्री नैवेशारण्य और श्री तोताद्रीनाथ, जहां जहां भी ये स्थापित हो जाते हैं वही भू वैकुंठ कहलाता है। ये मुक्ति नारायण धाम भी यहाँ का भू वैकुंठ है। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री मुक्ति नारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय, श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। गोविंद 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 वेंकटरमण गोविंद 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 Govinda! 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 Govinda!
वेंकट रमणा गोविंदा 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 वेंकट रमणा गोविंदा 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 श्रीपति बाला गोविंदा 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 त्रिपति बाला गोविंदा 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 निवासा गोविंदा पद्मा रमणा गोविंदा 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 पद्मा रमणा गोविंदा आज तो बधाई बाटे मुक्ति धाम दिन बधाई ब्रह्मा जी आए लेने बधाई ब्रह्मा जी आए ब्रह्म रानी को संग ले आए नारी को संग ले आए ब्रह्मा जी के वेद गाजे अंग धाम में ब्रह्मा जी को बधाई बाटे मुक्ति धाम हे आज तो बधाई बाजे मुक्ति धाम मुक्ति धाम में मुक्ति धाम में मुक्ति धाम में बाजे बाजे आज तो बधाई बाजे मुक्ति धाम में आज तो बधाई बाजे हे देने बधाई शंकर जी आए देने बधाई शंकर जी आए देने बधाई शंकर जी आए गौरा मैया जी को संग ले आए गौरा हे गौरा मैया जी को संग ले आए गौरा जी को संग ले ओ शंकर जी का डमरू बाजे मुक्ति धाम में शंकर डमरू बाजे मुक्ति धाम आज तो बधाई बाजे मुक्ति धाम में आज तो बधाई बाजे मुक्ति धाम में ओ मुक्ति धाम में मुक्ति धाम में मुक्ति धाम में बाजे ओ आज तो बधाई बाजे संगमरम में आज तो बधाई बाजे मुक्ति धाम ओ देने बधाई गुरु जी आए देने बधाई गुरु जी आए संगत अपनी संग ले आए संगत अपनी ढोलक और छैना बाजे मुक्ति धाम में ढोलक और सुनरी बाजे मुक्ति धाम में आज तो बधाई बाजे मुक्ति धाम में आज तो बधाई बाजे मुक्ति धाम ए गोविंदा गोविंदा वेंकट रमणा गोविंदा 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 वेंकट रमणा गोविंदा।